हिमाचल प्रदेश महिला आयोग द्वारा ऊना में एक जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष दिलजीत ठाकुर ने की। कार्यशाला में महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को जागृत करने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत महिला आयोग और सरकार के विभागों द्वारा महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के विरुद्ध सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और सहायता की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि महिला आयोग द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए और उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने के हर संभव सहयोग महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान कोरोना संकट में आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स द्वारा किए गए कार्यों की भी जमकर सराहना की। हालांकि उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स तथा आशा वर्कर्स का वेतन महंगाई के अनुसार कम होने को सरकार का विषय जरूर बताया। कार्यशाला है ये राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से, उनके साथ एसोसिएशन से हमने ये यहाँ पर आयोजित की है। ये हर जिले में इस प्रकार की कार्यशालाएं जो है रखी जाएंगी। कल हमने सोलन जिले में ये कार्यशाला रखी और इसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है उनकी, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है और महिलाओं को न्याय दिलाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके बारे में जो असली जानकारी है वो हमारे संरक्षण अधिकारियों को होनी चाहिए। तो पुलिस और हमारे जो संरक्षण अधिकारी हैं उनको मिलके वो लोग डीवी एक्ट के अंतर्गत जो है महिलाओं को न्याय दिलवाते हैं। तो इसमें हम इस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैम, जहाँ तक देखा गया है कि जो भी आप स्कीम निकालते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए है चाहे वो बेटियों के लिए है, वो घर घर तक नहीं पहुंच पाती। प्रशासन तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपका जो सूचना प्रसारण जो मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट का जो तरीका है ना, वो मैम कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा देखिए कमियां हो सकती हैं, परंतु ये पूरे एक कोशिश होती है कि हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे आशा वर्कर्स और हमारे सुपरवाइजर्स, हमारे CDPOs के जो वेलफेयर के दफ्तर हैं उनके द्वारा हर घर तक योजनाएं जो है पहुंचाई जाती हैं। आपने देखा होगा कोविड के दौरान भी टेस्टिंग करने के लिए आशा वर्कर्स एक एक घर में गई, इसी प्रकार से आंगनवाड़ी वर्कर्स गई, उन्होंने किट्स बांटने थे जो भी कोविड के आइसोलेशन किट्स हैं उसको बांटने के लिए घर घर गई। तो घर घर तक इनकी जो है अप्रोच है, घर घर तक इनका जाना है, हर चूल्हे तक इनकी पहुँच है उनके द्वारा। क्योंकि मैं तो इनको सलाम करती हूँ, दोनों जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे आप आशा वर्कर्स को ले लीजिए चाहे आप आंगनवाड़ी वर्कर्स को ले लीजिए, बहुत अच्छे जज्बे से काम करते हैं, उसको सलाम है। और इनके ही द्वारा ये कार्य होते हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं यही एक हमेशा कोशिश रहती है कि हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, और उसके लिए जो ये नेटवर्क बना है ये बहुत ही कारगर है और अच्छा कार्य इसमें से हो रहा है। हो सकता है कमियां रह जाती हैं, उसके लिए हम इम्प्रूवमेंट करेंगे ज़रूर। मैम, आंगनवाड़ी वर्कर को आपने अभी सलाम किया, लेकिन मैम 3500 रुपया महीना और ऊपर से मैम वो BPL परिवार में भी नहीं आती, तो मैम वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये ऊपर सरकार के लेवल की बातें हैं, लेकिन हम जो है संस्तुति अनुशंसा जरूर करते हैं और इनके कार्य की हम हमेशा सराहना करते हैं, बहुत अच्छा कार्य होता है इनके द्वारा। थैंक यू।